बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जिसमें नौजवान मौजद की बनाई ये घड़ी चेहरा छूने पर याद दहानी कराती है। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले एक 15 साल नौजवान ने ऐसी घड़ी बनाई है जो सारिफ को इस वक्त याद दहानी कराती है जब वो अपने चेहरे को छूने वाले होते हैं। नौजवान ने यह घड़ी अपनी माँ और बाप दोनों की कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद बनाई। नेक्स मीडिया का कहना है कि उन्होंने अपनी माँ नताली मीडिया के साथ मिलकर कई साल पहले इस घड़ी को बनाने का सोचा था। वेब्रो नामी ये घड़ी नज़ले और ज़ुकाम के वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोची गई थी। ताहम मैक्स कई सालों तक अपने ख्याल को हकीकत का रूप न दे सका। जब कोरोना वायरस की आलमी वबा फैली और इसने मैक्स के ख़ानदान को भी लपेट लिया तो उन्होंने इस घड़ी को बनाने का सोचा। मैक्स ने बताया कि उनके वालिद चर्ड मीडिया ने इस साल के शुरू में घड़ी के काम करने के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी और इनकी काफ़ी इसमें मदद की। अब वो एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के साथ साथ इस घड़ी का प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस घड़ी को पहनने वाले सारे अपने हाथों को चेहरे के करीब करता है कि ये घड़ी वाइब्रेट करती है और इसमें से बीप की आवाज़ आती है। मैक्स ने बताया कि इस घड़ी को तजारती पैमाने पर बनाने के लिए $74,000 की ज़रूरत है जिसके लिए ग्राउंड फेडिंग फंडिंग की जा रही है। जैसे ही ये रकम जमा हो गई इस घड़ी की तैयारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। सितंबर में जब ये घड़ी मार्केट में आएगी तो इसकी कीमत $111 होगी। मैक्स ने बताया कि इस घड़ी की इब्तदाई फरोख से हासिल होने वाली रकम से सेहत के लिए काम करने वाले और कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों को मुफ्त घड़ियाँ दी जाएंगी। इसके साथ ही हमारी वीडियो अख्ताम को पहुँचती है। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।